तो दोस्तों फाइनली इतने लंबे इंतजार के बाद पोको जो है फाइनली अब तैयार है इंडियन मार्केट में अपने पोको X5 Pro 5G को लॉन्च करने के लिए। इसको इंडियन मार्केट के लिए टीज करा जा रहा है। उससे पहले ही यहाँ पे इसकी लॉन्च डेट, इसकी प्राइसिंग, इसकी स्पेसिफिकेशन, मतलब हर एक चीज़ बाहर निकल कर आ चुकी है। तो आज की इस वीडियो में आपको ऑलमोस्ट सारी जानकारी देने वाला हूँ पोको X5 Pro 5G से रिगार्डिंग। तो बस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे पोको X5 Pro 5G का जो है स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेता हूं। तो दोस्तों यहां पे जो आपको फुल HD प्लस वाला एक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जहां पे जो आपको 120 हर्ट्ज का हाईर रिफ्रेश रेट लाकर दिया जाएगा। हां, डिस्प्ले में यहां पे कोई शिकायत हम नहीं कर सकते हैं, डिस्प्ले अच्छी यूज करी जाएगी। सामने की तरफ जो है पंचोल स्टाइलिंग वाला डिस्प्ले होगा, जहां पे आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होने वाला है, इसमें भी हम शिकायत नहीं कर सकते हैं। बैक की तरफ जो है ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाएगा, जहां पे जो प्राइमरी कैमरा है वो यूज किया जाएगा 108 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का होने वाला है जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ में आएगा। थर्ड कैमरा सो कॉल्ड 2 मेगापिक्सल का चिप दिया जाएगा। मैं यहाँ पे थैंक बोलना चाहूंगा यहाँ पे पोको को कि यहाँ पे अच्छा काम करा कि जो सेकेंडरी कैमरा है वो अपने 8 मेगापिक्सल का दिया अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। मुझे तो ये डर था कि कहीं आप भी कहीं 2 मेगापिक्सल का ना चिप दोगे। चिपा थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का, चलो ठीक है, सारी कंपनियां कर रही है, अब आप भी करो, करो यार करो, सब कर रही हैं तो आप भी करो, कोई बड़ी बात नहीं है। सेकेंडरी कैमरा एटलीस्ट आपने अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस प्रोवाइड कराई, अच्छी बात मुझे लगी। एंड यहाँ पे जो आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आएगा। एंड यहाँ पे जो आपको 67W का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगा, तो बैटरी डिपार्टमेंट में भी अच्छा काम करा गया है। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे भाई काफी ताबड़तोड़ प्रोसेसर यूज करा गया है। क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 778G चिपसेट यूज करा गया, जो कि नो डाउट बहुत ही ज्यादा पावरफुल चिपसेट है। एंड यहाँ पे जो आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएंगे, 3.5 mm जैक भी होने वाला है, तो गेमर्स के लिए काफी ज्यादा अच्छी बात निकल कर जाती है। डुअल सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, डुअल स्पीकर भी देखने को मिल जाएगा। बट दोस्तों देखने वाली बात ये हुई कि ये स्मार्टफोन जो एंड्रॉइड 12 या फिर एंड्रॉइड 13 हमें आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। एज पर करेंट लिस्ट ऐसा बताया जा रहा है कि एंड्रॉइड 12 भी देखने को मिले, और एंड्रॉइड 12 आती है ना भाई तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रोल की जाएगी पोको, क्योंकि एंड्रॉइड 13 सारी कंपनियां प्रोवाइड कर रही है, एंड्रॉइड 13 लेटेस्ट और आपके लिए इजीली एंड्रॉइड 13 देना, और स्टिल अगर आप एंड्रॉइड 12 पे इस स्मार्टफोन को लॉन्च करते हो तो ये गेम चेंजर हो सकता है। इतना अच्छा स्मार्टफोन लॉन्च करने के बाद भी लोग आपको नहीं खरीदेंगे, क्योंकि अपने एंड्रॉइड 12 पे अगर ऐसा आप करते हो तो नहीं खरीद पाएंगे लोग। सो प्लीज़ मैं पोको से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स देने की पूरी कोशिश करना, एंड्रॉइड 13 ही देना। एंड दोस्तों ये रही कुछ स्पेक्स की कहानी पोको X5 Pro 5G की। अब अगर मैं आपसे इसके लॉन्च और प्राइस के बारे में बात करूँ तो देखिए सबसे पहले मैं आपसे चलिए प्राइसिंग के बारे में बात कर लेता हूँ। तो देखिए ऐसा लीक होकर आया है कि इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग जो है 21,000 से 23,000 के बीच में भटकने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 21,000 से 23,000 के आसपास इसकी प्राइसिंग होने वाली है। और लिटरली अगर 23,000 तक भी ये स्मार्टफोन लॉन्च होता है तो भाई काफी क्लियर होने वाले हैं, काफी यहाँ पे धमाल मचा देगा स्मार्टफोन। सबसे यहाँ पे तोरो यूज करा गया है। एंड अगर मैं आपसे इसके इंडिया लॉन्च के बारे में बात करूँ तो ऐसा बताया जा रहा है कि यह स्मार्टफोन जो है 6 फरवरी, जी हाँ 6 फरवरी को इंडियन मार्केट में लॉन्च की जाएगी, और शाम 5:30 बजे इसका लॉन्च इवेंट जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा इंडियन मार्केट में। अभी तक यही लिखो करा है, और जो पोस्टर आप देख सकते हैं बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है कि यहाँ पे फेक पोस्टर है। तो जी हाँ, ऑलमोस्ट सारी कंफर्मिंग हो चुका है, बाहर निकल कर आ चुकी है। तो यही थी पूरी की पूरी जानकारी पोको X5 Pro 5G से रिगार्डिंग जो मैं आपको देना चाहता था। तो बस फिलहाल अगर इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे एक और नई वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।